Hello everyone, today we'll talk about aging. So aging can happen especially to your skin in two ways. One is your physiological aging. That means जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्किन एज कर रहा है. आपको रिंकल्स हो रहे हैं, आपको फाइन लाइन्स हो रहे हैं, आपका फेस सैग कर रहा है और आपको अंडर आई बैग्स डेवलप हो रहे हैं. दैट कैन ओनली हैपन विथ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ योर एज. बट एक तरीके का एजिंग है जिसको फोटो एजिंग बोलते हैं. दैट मीन्स आप अगर अपना स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, आप राइट प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं या फेशियल रिजुविनेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं, तो आपकी स्किन धीरे 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 डल होने लगती है. एंड दैट इज़ कॉल्ड फोटो एजिंग. एंड योर स्किन स्टार्ट्स लुकिंग मच ओल्डर देन योर एक्चुअल एज इज. सो देर आर फ्यू टिप्स विच यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ एंड प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम एजिंग. सी, इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. धीरे धीरे सबको ही एज करना है, पर आप उसे बिल्कुल भी प्रिवेंट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. एंड प्लीज मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर एनी एंटी एजिंग थेरेपी यू वॉन्ट. फ्यू आई लिस्ट हियर. फर्स्ट, यू कैन स्टार्ट योर एंटी एजिंग जर्नी फ्रॉम एटलीस्ट द एज ऑफ 30. एंड एज सून एज इट इज ऑलवेज नोन कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए स्किन के लिए बेहतर है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एट द एज ऑफ 25 और 26 बॉटल एंड टॉक्सिन ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, लेकिन हाँ, एक अच्छी सनस्क्रीन, एक अच्छा सीरम, एक अच्छा नाइट केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम फर्दर एजिंग. एंड देन अगेन, इफ यू हैव क्रॉस्ड एन एज, इफ यू हैव डेवलप्ड फाइन लाइन्स, इफ यू हैव डेवलप्ड स्टैटिक लाइन्स, इफ योर फेस हैज स्टार्टेड सैगिंग, यू कैन गो फॉर अदर प्रोसीजर्स ऑल्सो लाइक threads, like botulinum toxin, like fillers, and of course the HIFU technique and facial tightening can also be done using MNRF and using other laser machines as well. So please meet your dermatologist and prevent your skin from aging. Thank you.